नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार एकदम झटपट से बनने वाली ना प्याज पराठा की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ 1 प्याज लिया है। फिर इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, तो तीखा आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। और फिर इसमें कलौंजी डाल लेंगे और अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को डालकर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर बाकी सारी चीज़ों को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और डालकर इसे भी इस्तेमाल करने के बाद मिक्स कर लीजिए। इसीलिए मैंने ना हरी मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया था। और यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल हमने किया है इस बैटर को बनाने के लिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी को ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि गुठलियाँ जो है ना वो ना रहे। तो यहाँ पर 2 कप हमने पानी देख सकते हैं कि मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। और काफ़ी अच्छे से ना इसे आपको फेंट लेना है। तो इस तरह से ना बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एकदम हेल्दी जो होता है ना पराठा प्याज का बन के तैयार होता है। और इस तरह से बनाने से ना पराठे जो है ना बहुत जल्दी भी बनता है और एक अलग सा टेस्ट होता है, जो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से पूरे पानी को मैं ऐड कर दूंगी। तो 1 चम्मच थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ पानी यहाँ पर। फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर। और तवे को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें और भी ऐड कर लेंगे। तो इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और फिर ना 1 चम्मच रिफाइंड तेल इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसे आपको मिक्स कर लेना है। बस ये बिल्कुल भी बैटर जो है ना अच्छे से तैयार हो गया। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रहेगी, आपको इसी तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो फिर ढककर हमने ना 10 मिनट के लिए ना रख भी दिया है रेस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल भी तैयार हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा सा पानी भी छूटता है, तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच 3 चम्मच पानी को कम भी डाल सकते हो। अगर बैटर गाढ़ा लग रहा है तो फिर आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे तवे को हमने गर्म कर लिया था, ग्रीस कर लिया है हमने, घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और फिर बैटर को अच्छे से मिक्स करके और फिर बैटर को डाल लीजिए। तो 1 कड़छी हमने यहाँ पर इस तरह से बैटर को डाल के और फिर इसे हम फैला लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने ना मीडियम कर दिया है, इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। तो इसी तरह से आपको जो प्याज का पराठा है ना आपको बना के तैयार कर लेना है। अगर नहीं भी थोड़ा फूलता है ना तो अब भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बीच बीच में इस तरह से यहाँ पे थोड़ा मैं घी डाल दी हूँ, आप तेल भी डाल सकते हो, रिफाइन तेल का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से। और कलर देख सकते हो इसका चेंज हो गया है। तो फिर से मैंने ना पराठे के ऊपर से अच्छे से ब्रश से मैंने तेल को लगा दिया। आप चम्मच का भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पून का, और दोनों तरफ से पलट के आपको इस तरह से हल्के से दबाते हुए ना सेक लेना है। और इसका जो खाने का तरीका होता है ना वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, तो वो भी मैं बताऊँगी। ये जो नाश्ता है ना आपको किसी तरह की सब्जी के साथ ज़रूरी नहीं है खाना। घर में अगर सब्जी नहीं है मन खाने का बनाने का, तो इस तरह से बच्चों को दिन भर का भी एक नाश्ता बना के दे सकते हो, लंच बॉक्स में आप दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो। ये बहुत ही फटाफट बनता है। तो इस तरह से हमने सारे पराठे बना के यहाँ पे सर्व कर ली। बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है, जल्दी बनता है और कुछ अलग सा टेस्ट होता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे 3 से 4 पराठे बने थे और एक छोटा सा बना था। तो इस तरह से मैंने बना लिया और एकदम सॉफ्ट भी है। और यहाँ टमाटो सॉस लगा के दिखा रही हूँ, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। या फिर ग्रीन चटनी के साथ कर सकते हो सॉफ्ट इसे, मतलब कि सर्व कर सकते हो आप। तो इस तरह से रोल कीजिए और एकदम टेस्टी पराठे को एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से पराठे तैयार हैं। तो फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।